बॉलीवुड और टीवी शोज की न्यूज चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। अगर किसी वजह से आपने आज का बिग बॉस का एपिसोड मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं बिग बॉस सीजन 12 के आज के एपिसोड की कुछ खास झलकियां। आज के एपिसोड की शुरुआत वहीं से ही हुई, लग्जरी टास्क से, जहां पर खान सिस्टर्स का रोमिल के साथ झगड़ा हो जाता है। इसके बाद अगले दिन की शुरुआत होती है एक एनर्जेटिक गाने के साथ, और इसमें लग्जरी टास्क के दौरान शिवाशीष मिश्रा और दीपक ठाकुर दोनों कैप्टेंसी के दावेदार चुने जाते हैं। इसके बाद बिग बॉस इन दोनों को कैप्टेंसी टास्क देते हैं, जिस टास्क में बिग बॉस घर के सदस्यों के कुछ सनसनीखेज खुलासे करेंगे, जिसमें इन दोनों को अनुमान लगाना है कि ये खुलासा किस सदस्य के बारे में किया गया है, और साथ ही घर के सदस्यों को पावर दी गई कि वो अपने पसंदीदा दावेदार की मदद कर सकते हैं और दूसरे दावेदार को कंफ्यूज कर सकते हैं। इसके बाद टास्क की शुरुआत होती है, जिसमें खुलासों की शुरुआत होती है, और इस टास्क के दौरान कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिस दौरान घर के सदस्यों की इन दोनों दावेदारों के साथ अनबन हो जाती है। जैसे कि इस दौरान एक खुलासा हुआ, जब मैं 4-5 साल का था तभी मैंने गाली देना सीख लिया था। तो इस पर शिवाशीष और दीपक घर वालों से जाकर पूछते हैं और साथ ही उन्हें इस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं जिससे घर वालों को गुस्सा आ जाता है और इस पर घर वाले उन पर भड़क जाते हैं। एक और खुलासा हुआ, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड को मेरी नई गर्लफ्रेंड से इतनी जलन हो गई थी कि उसने मेरा फोन टैप करवाया और मुझ पर जादू टोना तक करने की कोशिश की। कॉलेज में एक वक्त पर मेरे दो लोगों के साथ गहरे संबंध थे। इस पर कई सदस्यों को लगता है कि ये सभा के बारे में है और इस पर दीपक उनके पास जाकर पूछते भी हैं, क्या सभा ये तुम्हारे बारे में है? तो इस पर सभा पहले तो उनके साथ मस्ती करती है कि नहीं, ये मेरे बारे में नहीं है, लेकिन बाद में उन्हें अकेले में जाकर बता देती है कि ये मेरे ही बारे में है, लेकिन दीपक समझ नहीं पाते हैं और वो गलत जवाब दे देते हैं। इस पर सभा खान और दीपक ठाकुर के बीच में झगड़ा हो जाता है और इसी दौरान सुरभि और सभा के बीच में भी झगड़ा हो जाता है। इसके बाद टास्क आगे बढ़ता है और बिग बॉस सभी सदस्यों को बाहर बुलाते हैं, तो इस पर सुरभि राणा कहती है यस बिग बॉस के सभी इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इस पर श्रीसंत को गुस्सा आ जाता है और वो बेवजह ही इस बात को लेकर सुरभि राणा से लड़ पड़ते हैं, और इस दौरान इन दोनों के बीच का झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि सुरभि राणा ये तक कह देती है कि अगर आप पागल हो तो मैं आपसे बड़ी पागल हूँ, मुझसे पंगा मत लेना। तो दोस्तों, ये थी बिग बॉस सीजन 12 में सभी कंटेस्टेंट के बिग बॉस हाउस में बिताए गए डे 32 की हाइलाइट्स। और अगर आप बिग बॉस सीजन 12 के हर दिन की हाइलाइट्स के बारे में सबसे पहले जानना चाहते हैं तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आपको बिग बॉस 12 से जुड़े हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले यहीं मिलेगी। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।